नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और सीएम योगी आदित्यनाथ रूस में हैं, रूसी निवेश लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको पहले बता देते हैं। कानपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। और इस बड़े असर के तौर पर तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में व्लादिवोस्तोक पहुंचा है दल, और खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई और कृषि और पावर क्षेत्र में तलाशी की संभावनाएं। यूपी रूस के अमूर ओब्लास्ट प्रांत के साथ साइन करेंगे कई एमओयू, और ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि इंडस्ट्री, डेयरी को साइन लेकर साइन होंगे एमओयू। फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर भी साइन होगा एमओयू। तो उद्यमियों और रूस के अधिकारियों के साथ होंगे 6 सेशन, ऐसे में दूसरे और चौथे सेशन में यूपी के उद्यमियों और अधिकारियों के बीच चर्चा होगी। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ होंगे, और ऐसे में रूस जाकर रूसी निवेश लेकर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन उस निवेश से धरातल पर कितना विकास होगा, उस निवेश से धरातल की तस्वीर कितनी बदलेगी, उत्तर प्रदेश के जो तमाम पिछड़े इलाके हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, या फिर बुंदेलखंड का हिस्सा, कितना बदलेगा, जो बिजली की समस्या है वो कितनी खत्म होगी, तमाम में भी सवाल है इस पूरे रूस दौरे से, और वही आज हम चर्चा के दौरान करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, खाद्य प्रसंस्करण और एनर्जी सेक्टर, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर इस रूस यात्रा का असर देखेगा। मेरे साथ इस चर्चा करने के लिए, चर्चा को करने के लिए 5 गेस्ट पैनल में मौजूद हैं। उन सबका मैं तारू आपसे सबसे पहले करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए मनोज पंडित साहब, आपका स्वागत है सर। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं ए.के. मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता रीता मित्तल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उपासना सिंह हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हैं। मनोज जी, सबसे पहले हम सबको ये आप समझा दीजिए कि इस रूस यात्रा से धरातल की तस्वीर कैसे बदलेगी। मित्र, ऑलरेडी क्या है, जो हमने अपने घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, उसी में एक कदम है ये। जो टेक्नोलॉजीज अभी भी आप देख रहे हैं कि पहले की सरकार से, और हम इस सरकार की तुलना करें तो अभी बिजली की समस्याएं काफी कम हो गई। मुख्यमंत्री ने जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही ये घोषणा कर दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली है वो अपने लोगों को दे पाएं, तो अभी इसी में गए हैं, और अब कुछ ना कुछ जो है बैटर लेके ही आएंगे। तो आपको लगता है कि इससे धरातल की तस्वीर बदलेगी? ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा हमारे साथ है सर। जो बातें अभी कही, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति को समझते हैं, कि आपको लगता है जिस तरीके की बातें कही गई ठीक वैसा ही होगा? देखिए, थोड़ा सा इसको विस्तार और स्ट्रेटजिक वे में समझिए। दो पॉइंट में, दो पार्ट में मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा। पहला, आप ये देखिए, इंडिया का जो संघीय ढांचा है उसके लिए ये कैसे है, अभी तक फॉरेन जो विजिट होते थे वो प्राइम मिनिस्टर्स के होते थे, यानी नेशनल गवर्नमेंट की होती थी, स्टेट गवर्नमेंट के जो है बहुत कम होते थे। अब की बार अगर ये योगी जी जा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा महसूस करिए ना कि एक अलग तरीके की स्वतंत्रता यहाँ पे राज्यों को दी गई है, कि भाई राज्य स्वतंत्र है, उनको लग रहा है अपना विकास, उनके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो पूरी दुनिया उनके लिए जो है भारत सरकार ने या करेंट गवर्नमेंट ने इतना फ्रीडम दिया हुआ है, और ये सही मामलों में ये फ्रीडम होनी चाहिए। विकास, विकास का आइडिया किसी के पास भी, किसी के पास भी हो, कहीं भी जाके कर सकता है। देखिए, रशिया जाने का पर्पज आप ये देखिए, कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें कि रशिया लीडर है। देखिए, एनर्जी का पावर हाउस या सुपर पावर रशिया को बोला जाता है, ऑयल वगैरह इन सबको मिला के। आप चीज, एक चीज और देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में देखा जाए, न्यूक्लियर पनडुब्बी वगैरह देखा जाए, चेर्नोबिल दुर्घटना आपको याद होगी, बहुत पहले से ये न्यूक्लियर पावर में बहुत दक्षता इनकी है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कि हब है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट, किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी जो होता है वो मेन की रोल होता है, सस्ती और 2400 घंटे में उनको ऊर्जा मिले, चाहे पेट्रोल के फॉर्म में। तो इस मामले में भी हो सकता है कि यूपी में इतनी ज्यादा डिमांड है, पूरे देश में है, हो सकता है कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रशिया का चूंकि कल्चर ऐसा है वहां पे, कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत जबरदस्त वहां पे जो है उपयोग है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके की वहां पे टेक्नोलॉजी है। अभी डिफेंस कॉरिडोर वगैरह जो यूपी में बने हुए हैं, तो डिफेंस के मामले में भी रशिया की अपनी एक यूएसपी है। आप ये देखिए, टक्कर केवल अमेरिका और रशिया की होती है। स्पेस के मामले में भी रशिया जो है एक तरीके से इस एटलीस्ट स्पेस के टेक्नोलॉजी के मामले में तो रशिया यूएसए से आगे है और बहुत पहले से था। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं। अच्छा, और द्विपक्षीय अगर देखा जाए कि यूपी के कंपनियां वहां जाएं, यूपी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहां के जो कंपनी के मालिक हैं, उनको बिजनेस का स्कोप वहां पे मिले, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऐसी चीजें हों, बायलेटरल जो है बिजनेस रिलेशंस डेवलप किया जाए, तो ये एक एडेड और इमीडिएट वैल्यू एडिशन होगा यूपी को। ठीक है,
उपासना सिंह हमारे साथ हैं। उपासना, आप भी इत्तेफाक रखती हैं जो यहाँ पर बातें हुई, चाहे वो मनोज भाई ने कही और या फिर मिश्रा जी ने कही? देखिए, जो अभी मैंने सुना उसमें इन्होंने बोला कि अभी सरकार ने ये आजादी दी है कि स्टेट्स जाके अपना जो देश है उसके लिए बाहर के देशों से संबंध बना सकते हैं, तो इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे जो राज्य थे उनके चीफ नहीं, मेरे कहने का मतलब मैम ये था, सुनिए, पहले था, मैंने ये नहीं बोला है, लेकिन प्रायोरिटी पे लेना, किसी चीज को प्रायोरिटी पे लेना, एक तरीके से पहले ये होता था कि नेशनल लेवल के गवर्नमेंट से कांटेक्ट, लोग उदासीन रहते थे पहले। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा बाहर के देशों की यात्राएं इस पर्पस के लिए करने वाले शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने पिछले 12 सालों में बहुत सारी यात्राएं विदेशों की, जिसमें कि अमेरिका भी था, जर्मनी भी था, चाइना भी था, और जिसमें 5 दिन के दौरे, 9 दिन के दौरे, 10 दिन के दौरे, मतलब बहुत सारे दौरे उन्होंने किए। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स थे जो बाहर गए, जिसमें ममता बनर्जी भी थी, चंद्रबाबू नायडू भी थे, लेकिन यूपी के समाजवादी पार्टी के आजम खान वगैरह भी गए थे, और उसके बाद जब वो दौरा करके आए थे बुलेट ट्रेन से, तो उन्होंने बोला कि हम देख रहे थे खेती कैसे होती है, 300 की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है और उसमें बैठ के वो लोग खेती भी देख रहे हैं। चलिए पहले बोले, बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैं बात कर रही हूँ मुख्यमंत्रियों की, मैं नॉर्मल मंत्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आधिकारिक दौरों की बात कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर्स के दौरों की बात कर रही हूँ। तो जो हमारे सामने पहले का जो एक इतिहास है उसी के आधार पे हम बात करेंगे कि जो पहले जो मुख्यमंत्रियों ने इतने दौरे किए हैं उसका रिजल्ट कभी भी किसी के सामने रखा नहीं गया। इवन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो दौरे किए उसका क्या नतीजा निकला, कुछ कोई डाटा नहीं रखा गया। इन पे खर्चा बहुत होता है इन दौरों पे, लेकिन इनका फायदा क्या होता है ये कभी भी जनता के पास नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि दौरे होते हैं लेकिन वहां से निवेश आए चाहे कोई भी तकनीक आए धरातल पर उसका असर नहीं दिखता, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है उपासना, आई डोंट नो योर पॉइंट। आई ऑब्जेक्ट, देखिए ठीक ये सब, ये सब एक बार सबको शामिल कर लेता हूं, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं नहीं, मैम जो बोल रही है वो सतही लेवल का वो है, ठीक है, मैं आपके पास प्रभात जी के दोनों लोग अपनी जगह अपनी 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 बात रख रहे हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल ये जो रूस का विजिट के लिए लोग गए हैं, चाहे वो गुजरात और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं, 5 भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं गया है जो अपोजिशन उससे आता हो चाहे कांग्रेस से आता हो। सवाल इस बात का है कि जाइए आप, अच्छी बात है, आप अपने प्रदेश के लिए क्या ला रहे हैं और प्रदेश के उधर से लेके क्या जा रहे हैं जिससे कि हमारे 22 करोड़ जनता का एक भला हो। सवाल इस बात का ये भी है कि जब योगी जी सत्ता में आए थे तो निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ चीजें बदली है सत्ता में आने के बाद। पिछली सरकारों में जो चीजें थी कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का जो लोग निवेश करने के लिए उनको ना जमीन उपलब्ध होना, ना उनको सड़कों का इंस्पेक्टर मिलना, तो ये सारी चीजों पे योगी सरकार या डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी की सरकार है, और अब तो वो मोदी पार्ट 2 आ गई है भारी बहुमत के साथ। तो अब योगी जी ने जो संभावनाएं तलाशने के लिए देखिए, उसके पहले आपको याद होगा इन्वेस्टर मीट हुई और उत्तर प्रदेश में कितने लोग, कितने लाख करोड़ का एमयू साइन हुआ और उसको धरातल में उतारने के लिए एक और इन्वेस्टर मीट, अभी दूसरी इन्वेस्टर मीट हुई, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की, निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है, क्योंकि हर जिले में वो उद्योग, जो उद्योग मर रहे थे पिछली सरकारों में, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो पीतल उद्योग हो, चाहे वो ताला उद्योग हो, तो जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को योगी सरकार ने मजबूती से रखा है, तो निश्चित तौर पे अब ये कृषि के क्षेत्र में खाद प्रसंस्करण, तो आपको लगता है ये जो योजनाएं हैं या जो एक ढांचा लेकर चल रही है, जो प्लानिंग लेकर चल रही है, वो भविष्य में असर करेगी? रीता आपका क्या लगता है, रीता मित्तल आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि जो प्लानिंग की गई, जो योजना बनाई गई या जो तमाम रूस के द्वारा है उससे कुछ बेहतर आएगा, जो तस्वीर है वो बदलेगी? जो
जो अभी हमारे मुख्यमंत्री और भी प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं, तो मैं तो सोचती हूँ कि इसका फल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब एमओयू साइन हो जाएगा तो यहाँ पे निवेश, जैसे हम यहाँ पे जब हम लोग गए हैं वहाँ पे रसिया में, वहाँ भी निवेश कर रहे हैं, पर जब यहाँ पे निवेश होगा उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, इसके अलावा नई नई तकनीकी पता चलेगी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग अपने प्रदेश को अच्छा बना सकते हैं। और जो बात आई कि सारे भाजपा वाले वो गए मुख्यमंत्री, मैं ये मानती हूँ, पर ये भी सही है कि हर के अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, हर मुख्यमंत्री चाहेगा कि हम अपने प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास करें जिससे हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा हो, उससे जनता को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर हमारा प्रदेश का विकास होगा तो जनता भी सुख समृद्धि होगी और जो हमारे यहाँ निचले तबले के लोग हैं वो भी सब अच्छे उसमें एक सामान्य वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, तो घर में कोई बच्चा भी भूखा और ये सब नहीं होगा, तो भुखमरी भी दूर होगी और एनर्जी के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी, आपको लगता है कि रूस यात्रा से तस्वीर बदलेगी? ठीक है, आपको लगता है रूस यात्रा से तस्वीर बदलेगी? मिश्रा जी, तुषार जी, मैं लौटूंगा, जी लौटूंगा, मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं कि पहले भी कई बार आप डाबोल परियोजना देखिए, नेशनल लेवल की परियोजना थी, महाराष्ट्र में लगना था, वो फेल हो गया। मैं इसको मानता हूं कि पहले कई बार विफलता रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो चाहे प्राइम मिनिस्टर गए हो, लेकिन देखिए एक फर्क है, कोई काम सक्सेसफुल कैसे होता है, आप योगी की मेंटेलिटी को देखिए, आप योगी के वर्क कल्चर और वर्क बिहेवियर को देखिए, ही इज लिटिल बिट, नॉट लिटिल बिट, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की उनकी पर्सनालिटी है इन कंपैरिजन ऑफ वो चाहे बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री हो चाहे किसी और के। उस अब इनके सारे काम आप देखिए, इन्होंने जो काम उठाए हैं जिन कामों को शुरू किया, चाहे अपराध मुक्त बनाने का हुआ, तो इनकाउंटर जब करने पे आए अपराधियों का वो इतना ज्यादा हुआ कि एक तरीके से आप ये समझिए कि उसको जड़ से खत्म करने की इन्होंने ठान ली। जिन जिन कामों को इन्होंने उठाया, ये अपना तन मन धन लगा देते हैं, इच्छा शक्ति विल पावर, सक्सेस हो सकता है 100% ना मिले, 120% मिल जाए, 60% मिले, लेकिन क्रमिक विकास का तरीका यही होता है। पहली बार आपको सक्सेस नहीं मिलेगा स्टेट में, दूसरी बार मिलेगा, तीसरी बार, उसके बाद हो सकता है कि पूरा स्टेट ही बूम कर जाए, हो सकता है पोटेंशियल यूपी में है, इतना पोटेंशियल है यूपी में कि ये इंडिया का क्या बहुत सारे देशों से ज्यादा इसकी अकेले की इकोनॉमी हो सकती है। तो उन पोटेंशियल को तलाशने के लिए अगर इफर्ट है तो पास्ट के जो है गलत एक्सपीरियंस को लेके ये परसेप्शन बना के थ्रो नहीं करना चाहिए मीडिया में कि पहले सफल नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। ठीक है मनोज जी, क्या आपको लगता नहीं है कि ये अजम्पशंस पर टिकी हुई पूरी योजना है? ठीक है, विल पावर है सरकार की, सरकार विल पावर के आधार पर चलेगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आपको एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आप वहां पर भी पहुंचेंगे, ठीक है विल पावर अच्छी है, लेकिन अगर देखें अजम्पशंस हैं, आपके अजम्पशंस क्या हैं कि हम रूस जाएंगे, हम तमाम तकनीक लाएंगे, हम इन्वेस्टर समिट करेंगे, हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, जब 2022 में आप पहुंचेंगे तो 2022 में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पार्ट 2 वाली सरकार में आए और उस टाइम मैनिफेस्टो जारी किया गया तो उन्होंने खुद कहा कि 2022 को हम एक मिडवे लैब के तौर पर लेकर चल रहे हैं, हम 2022 में हिसाब किताब करेंगे। अभी मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हम भविष्यवक्ता ना बने, हम काम करने तो दें, हमारा बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप पहले क्या हुआ उसको अभी जोड़ देंगे या उन्होंने ये किया उसके पीछे नहीं जा सकते ना हम लोग। आज हम जो काम कर रहे हैं क्या उससे जनता संतुष्ट नहीं है? क्या आज जो हमारे होम मिनिस्टर ने जो काम किया, JNK में जो काम किया, क्या आप एक आम आदमी सोच सकता है उसके बारे में? 370 हटाने के बाद सबने की, 35A हटाने के बाद सबने की, क्या कोई इतनी हिम्मत जुटा पाया कभी? आप मुझे बताइए। अब हम कहते हैं कि आप किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जाने दिया? अगर किसी, हमने किसी को रोका नहीं है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया होता है उस प्रदेश का, और जिस प्रदेश में हम बैठे 22 करोड़ की जनता रहती है वहां पर, आज आप देखिए कि क्या पहली सरकार को और इस सरकार को तुलना कर लीजिए आप, कि दोनों सरकारों में कोई फर्क आपको नजर आता है? नहीं आता मुझे। तो इसीलिए यह है कि आप काम करने दीजिए, आप देखने दीजिए, आप बोलो कि खर्चा होता है, खर्चा तो अगर आप घर से भी बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल फूकता है, खर्चा तो होगा ही, अगर उस खर्चे में कोई नतीजा ना निकले तब आप शिकायत कीजिए, आप काम तो करने दीजिए उनको। नहीं तुषार देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप साइंस के विद्यार्थी रहे हो या कुछ भी हो, किसी भी काम का जो पहला स्टेप होता है वो एजम्पशन होता है, और हम कोई काम शुरू करते हैं तो एजम्पशन यानी मान के ही चलते हैं पॉजिटिव वे में कि हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि वो फेल्योर भी हो जाए, हुए हैं, मैंने आपको
एग्जाम्पल दिया, जहां नेशनल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, डाबोल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फेल हो गया बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के बाद। पॉजिटिव सोच लेके चले, सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़े, ठीक है। उपासना, आपको नहीं लगता कि अब यहाँ पर सकारात्मक विचार के साथ चलना चाहिए? एक ऐसी सरकार जब हम जिस सरकार में हो वो एक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, आपको लगता है कि जो पुरानी बातें थी उनको ड्रैग करना ठीक नहीं होगा और एक सकारात्मक विचार लेकर आगे चलना चाहिए? उपासना, अपनी जनता की बेहतरी के लिए ही काम करती है और पहले भी जो सरकारें बाहर गई वो इसी विश्वास के साथ गई, इसी वादे के साथ गई कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे और निवेश लेके आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, इसी विश्वास के साथ जा रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये था कि आंकड़े ये बताते हैं कि इस तरीके की जो यात्राएं होती हैं उनका आउटकम क्या होता है, वो जनता के सामने आता नहीं है ना रखा जाता है। ये सिर्फ हवा हवाई कहते चलते हैं कि हम इतने हजारों करोड़ का निवेश ला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जब वापस आ जाते हैं उसके बाद कोई भी जवाबदेही जनता के प्रति ये रखते नहीं। उपासना जी, उसका भी एक रास्ता है, उसका भी एक रास्ता है, आप आईटीआई लगा के पूछ लीजिए। नहीं नहीं, सवाल आईटीआई का नहीं है। देखिए मैं आपको ये बताऊं क्या मतलब हुआ। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं भाई, पिछले 12 साल से देखिए है क्या, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं होगा कि फर्स्ट विजिट में केवल एक फोन किया कि हेलो मैं प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बोल रहा हूं और 100% की इकोनॉमी आके सारे लोग आपके देश या प्रदेश में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इतना इतने रिसोर्सेज है, इतनी गुर्बत भी वहाँ पे फैली हुई है कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना यूपी का बहुत जरूरी है। अगर देश का विकास आपको चाहिए तो ये मानना पड़ेगा कि यूपी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बने, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इकोनॉमिक स्टेट बने, और इन सब चीजों के लिए जरूरी है। अभी यूपी को केवल केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित रह करके अगर हम रह जाएंगे तो यूपी की जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और यूपी के पोटेंशियल का हम प्रॉपर रूप में दोहन भी नहीं कर पाएंगे ताकि देश का विकास हो। ठीक है, प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि जो 5 ट्रिलियन के लक्ष्य लेकर चले, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी का है, जो बीजेपी तमाम राज्यों और उनमें भी सबसे बड़ा राज्य क्योंकि उत्तर प्रदेश है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, और अगर ऐसे में ये कहना कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश से देंगे तो गलत नहीं है और इसके लिए तमाम कोशिशें तो सकारात्मक देखनी चाहिए, प्रभात जी क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर तुषार, देखिए 1 मिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब संभावनाएं तलाशने, हम अगर घर बैठ के तो काम नहीं होगा ना, हमें बाहर जाके ही तो संभावनाएं तलाशनी होगी। हमारे 20-25 उद्योगपति उत्तर प्रदेश के, गुजरात के सब गए हुए हैं और 5-5 सीएम गए हैं, केंद्रीय मंत्री गए हैं। देखिए हर बात पे नेगेटिविटी पहले से सोच लेना ये अच्छी बात नहीं है, आलोचना करना हाय तोबा मचाना, अरे भाई सरकार है, सरकार अपना काम करेगी अपने ब्यूरोक्रेट के साथ, जो योजनाएं बनाएगी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अगर मुख्यमंत्री रूस जा रहे हैं तो इस पर आलोचना नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ब्यूरोक्रेट और सरकार के बीच का तालमेल योगी जी के आ जाने के बाद, जो उनके साथ ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं, अब देखिए कल आपके एनसीआर में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने थाने का निरीक्षण किया, अवनीश अवस्थी के पास जब से प्रमुख सचिव गृह आया है प्रदेश में और बदलाव आएगा कानून व्यवस्था में, क्योंकि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए हैं, इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है और कई विभाग उनके पास है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है और हम उसमें आलोचना करें, अरे पिछली सरकारों ने कितने काम किए, देखिए उनका तो मैं जरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, सुनिए की संभावना, मैं जरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, कुछ फैक्ट एंड फिगर देखिए आप, है क्या हम चाहते हैं इंडिया नंबर वन बने, सारे सरकारों का ये प्रयास रहा है चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, बिल्कुल यूपी और बिहार जैसे 20-25% की पॉपुलेशन यूपी और बिहार, गुजरात बहुत आगे बढ़ गया, देखिए गुजरात की जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ती होगी लेकिन पूरे देश की कुमुलेटिव जीडीपी जो होती है वो वही की वही खड़ी रहती है। रीजन ये है कि 20% अगर पॉपुलेशन इकोनॉमिक वे में वो कमजोर रह जाए तो देश का विकास कैसे होगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब भी कोई भी सरकार देखे तो अगर यूपी की इकोनॉमी उसके जो है एक रेशनल प्रोडक्टिविटी यानी जितनी पॉपुलेशन का शेयर है उतनी ही प्रोडक्टिविटी का भी तो शेयर होना चाहिए,
तो सम्यक विकास यानी हर स्टेट का विकास में अपना उसी रेशियो में योगदान हो, इसके लिए जरूरी है, जो मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, यूपी को एक सेपरेट इकोनॉमिकल एंटिटी या स्टेट बनना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें यूपी की इकोनॉमी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, बिहार का अपना, यहाँ पे तो केवल तीन तीन देखिए यूपी। बोलिए बोलिए, तो इसलिए हमको इतना, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक, प्रभात जी मैं आपके पास ही आऊंगा ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फौरन लौटूंगा। बात ये जारी रहेगी कि रूस यात्रा से, यूस यात्रा से, क्या रूसी निवेश आने से धरातल पर तस्वीर बदलेगी उत्तर प्रदेश जो सपना लगातार देख रहा है, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर जो मोदी सरकार चल रही है, यूपी कितना पार्ट निभाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के सबसे बड़े धोखेबाज राजेश गर्ग पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकारी टेंडर के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करता था राजेश गर्ग पर कानपुर और आगरा में एफआईआर दर्ज हुई है। कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई आईएएस अधिकारियों से संबंध के चलते हाथ डालने से कतरा रही है पुलिस। सरकारी सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। सूखा राहत टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए का सामान खरीदा गया और भुगतान न करने के मामले में आगरा में ये एफआईआर दर्ज हुई है। आगरा के व्यापारी से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई। आगरा की अजंता राज कंपनी ने की थी सामान की सप्लाई, करोड़ों की कीमत का सूखा दूध और घी की सप्लाई की थी। शासन से भुगतान मिलने के बावजूद नहीं किया कंपनी का भुगतान। भुगतान मांगने पर राजेश गर्ग ने कंपनी को धमकी दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद फ्रॉड राजेश गर्ग पर मुकदमा दर्ज हुआ। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कानपुर के व्यापारी से भी करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला ये उजागर हुआ। कानपुर के व्यापारी ने भी दर्ज कराई है कंपनी के खिलाफ एफआईआर। ऐसे में आईएएस अधिकारियों से साठगांठ कर हासिल किए करोड़ों के टेंडर और टेंडर दिखाकर व्यापारियों से करोड़ों का सामान भी यहां पर सप्लाई करवा लिया। व्यापारियों का करोड़ों रुपए हजम कर लिया। पैसा वापस मांगने पर यह सिर्फ धमकियां देता था। विशेष संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आप ब्रजेश, इस पूरे मामले को देखें, सुपर फ्रॉड राजेश गर्ग की अब गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। देखिए तुषार, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत जो है पूरी तरह करप्शन मुक्त किया जाए, वहीं पर कई आईएएस अधिकारियों की साठगांठ के साथ कई ऐसे नटवरलाल हैं जो लगातार जो है धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक फ्रॉड है राजेश गर्ग, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकारी जो ऑर्डर मिले, सरकारी जो है चाहे वो सूखा राहत हो, बाढ़ राहत हो या फिर अन्य सरकारी सप्लाई को लेकर के उसने पहले टेंडर हासिल किए और टेंडर हासिल करने के बाद व्यापारियों को उन टेंडर को दिखा करके उनसे करोड़ों रुपए का माल जो है पहले सप्लाई आपूर्ति के नाम पर लिया और उसके बाद जिनसे 10 करोड़ का माल लिया उन्हें 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ दिया। इस तरीके से करके कानपुर की कंपनी से 80 लाख रुपए की बकायादारी और आगरा की एक कंपनी अजंता से जो है 5 करोड़ रुपए की बकायादारी जो है, और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अधिकारियों से झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे करके उनका पैसा हड़प करने की कोशिश की। और अब एफआईआर दर्ज हुई है, एक एफआईआर आगरा में दर्ज हुई है जिसमें 5 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप है कोर्ट के आदेश के बाद, और एक एफआईआर कानपुर में दर्ज हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों मामलों में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे जो आईओ हैं वो उल्टे ये धमकी जरूर दे रहे हैं कि जो है ये फिर सवाल ये उठता है कि किसका हाथ ऐसे राजेश गर्ग के ऊपर है कि अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है, परहेज कर रही है। देखिए निश्चित तौर पर आप एक बात समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनका वरदहस्त राजेश गर्ग के ऊपर है, और यही वजह है कि तमाम डिफॉल्टर होने के बावजूद तमाम जो है पुराने इसके खिलाफ जो है अगर बात करें तो हरियाणा में भी इसके खिलाफ जेल भी जा चुका है पटियाला में, इसके साथ ही इसके खिलाफ लुधियाना में भी मामले दर्ज हुए थे, इस तरह के कई फ्रॉड के मामले इससे पहले थे, बावजूद उसके उसको धड़ल्ले से सरकारी ठेके मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप डिफॉल्टर हो, अगर आपका जो है बैंक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, तो आपको सरकारी ठेके कैसे मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़े आईएएस अधिकारियों की सह है, संरक्षण है, और यही वजह है
ये बाकायदा धोखाधड़ी कर रहा है और इस तरह से जो है धोखाधड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुपर फ्रॉड की गिरफ्तारी कब होगी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि 6 ऐसे आईएएस अधिकारी उच्चस्थ पदों पर बैठे हैं जो राजेश गर्ग इस सुपर फ्रॉड को छत्र छाया दिए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा पर लौटते हैं और प्रभात जी आपसे, मैंने क्योंकि ब्रेक के पहले कहा था कि मैं लौटूंगा आपके पास, आप अपना पक्ष रख रहे थे, पहले आप बोलिए फिर मिश्रा जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए तुषार जी, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगा कि जो चीज है कि अभी देखो ये आप जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर जालसाज हैं, जालसाज पकड़े जा रहे हैं, जालसाज और टेंडर में जो घालमेल होता था उससे हमारे विकास कार्य रुकते थे, तो सरकार ने 2 साल में इन सब चीजों को बड़ा वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने के बाद जब ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और कानून व्यवस्था और बिजली की सारी चीजें ठीक है तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट में लोग इन्वेस्ट करने भी आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार पहले काम को, अब 2 साल 2.5 साल योगी के हो गए हैं, अब उनकी अग्नि परीक्षा है कि भाई उनको प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट करना है, उनको रोजगार देने हैं, क्योंकि 2022 में उनका रिपोर्ट कार्ड जनता चेक करेगी। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड हर बार को नहीं सामने आएगा कि आप हर सीएम को मोदी के नाम पे कोई सीएम बन जाएगा या सरकारें बन जाएंगी। अब तो आपको काम करना पड़ेगा, अब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, चाहे मोदी पार्ट टू हो चाहे योगी पार्ट वन हो। सवाल इस बात का है कि अगर कोई सीएम जा रहा है तो वहां से लेके क्या आया है और हम क्या दे के आए हैं, इसका भी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखना पड़ेगा। मिश्रा जी, जब बात होती है विकास की, बात होती है 2022 के रिपोर्ट कार्ड की, तो बात ये भी होनी चाहिए कि 2.5 साल में आपने क्या किया और आने वाले 2.5 साल में आप क्या करेंगे। जब बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लेकर चलते हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से जानी चाहिए, जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि जब हमारी जनसंख्या में भागीदारी ज्यादा है तो हमें दायित्व भी ज्यादा समझना चाहिए, किस तरह से आप फिर इस चीज को समझाएंगे। देखिए तुषार, मैं आपको बताऊं, मैं एक पॉजिटिव माइंड का आदमी हूं, देश अपना देश यहाँ की संस्कृति रही है कि घोर से घोर विपरीत परिस्थिति में भी हम आशावादी रहते हैं। इन नेताओं को देखिए ना, हारते रहते हैं, बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे, तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट में जवाब देता हूं, इसकी बहुत संभावनाएं हैं, ये इतना आसान भी नहीं है लेकिन ये बहुत कठिन है, लेकिन संभावनाएं देखी जाए तो क्यों नहीं है। मैं बोलता हूं जापान, जापान की पॉपुलेशन कितनी है, 12 करोड़ पकड़ लीजिए, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 20-22 करोड़ है, जापान की इकोनॉमी कितनी है, 5.65 ट्रिलियन US डॉलर है। तो अगर जापान, जिसकी आबादी हमसे आधा है, वो जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, तो यूपी को प्रॉपर वे में नर्चर किया जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये अगले 2 साल में बन गया जी 5 ट्रिलियन। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि 120 करोड़ जनता मिलकर 70 साल में नहीं कर पाई तो 20 करोड़ जनता कैसे करेगी। सवाल यह है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वहां के एटमॉस्फेयर से। मेरी गुजारिश यह है कि अगर यूपी में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता है सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का, फ्रॉड ना हो, कहीं कुछ ना हो, सरकार तुरंत और क्विक रिएक्शन सरकार ले, केवल एक फोन कॉल जाए उस पर रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने दे दी, ऑनेस्टी बैंक वगैरह इन सब की, हर जगह ऑनेस्टी वगैरह हो, क्विक सर्विसेज हो, तो पोटेंशियल, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, कितने ऐसे देश हैं जिनकी आबादी यूपी से बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, आप फैसिलिटेट करिए वर्ल्ड लेवल रिसर्च सेंटर बनाने के लिए, आप जो आधारभूत स्ट्रक्चर है वर्ल्ड लेवल का आप रिसर्च सेंटर बनाइए, यूनिवर्सिटीज को आप इतना वर्ल्ड लेवल का बनाइए, टैलेंट की कमी नहीं है यूपी में, बहुत अच्छे लड़के पढ़े हुए हैं। ऐसा सारा सोच के आप चलेंगे तो 5-10 करोड़ की आबादी वाला जापान अगर 5 ट्रिलियन डॉलर का है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो अकेले यूपी बन सकती है अगले 10-15-20 सालों में, अगर प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में और कंटिन्यूअस इफर्ट डाला जाए तब। कंडीशन ये है, ठीक है, लेकिन ये बहुत देर से, क्योंकि मैं देख रहा हूं पासन जी आप सब जो पक्ष रख रहे हैं उन पक्षों पर वो जो एक तरीके से सर हिला रही है तो वो रजामंद नहीं दिखती है। उपासना, क्या आपको लगता है कि इन सारी बातों में भी आशावादी नहीं होना चाहिए, सरकार को क्रिटिसाइज ही करना चाहिए चाहे वो भले ही निवेश लेने गई हो? आशावादी हैं हम, इसीलिए हम आगे की तरफ देखते हैं, जो भी हमसे जो वादा कर देता है हम उसको यकीन कर लेते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं कि ये सच हो जाएगा। 15 लाख का वादा हुआ था, सबने मान लिया और इंतजार करते हैं। 15 लाख से ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए, 15 लाख से ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं बीच में बोलती नहीं हूँ किसी, पक्ष रखिए लेकिन ठीक रखिए, अगर आप बार बार पुरानी बातों को 15 लाख को लाएंगे तो फिर आगे की बात कैसे। पुरानी बातें नई बातें कुछ नहीं होता, वर्तमान की बात होती है।
हाँ तो 15 लाख कहाँ से? दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इतना पोटेंशियल है, सबको मालूम है पोटेंशियल है, सबको पता है, मैं भी यूपी में रहती हूँ। और ये कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की? कल ही एक लड़की ने सुसाइड किया है, जो 13 साल की लड़की, इसका रेप हुआ है, जिसकी FIR नहीं लिखी जा रही थी। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मैं आपके सामने है कि नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं फ्रॉड की? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, लगातार मैंने कभी ये नहीं बोला है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, चाहे योगी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की। मैंने बोला है कि कम से कम एक अप्रोच तो ऐसा डेवलप किया जा रहा है, एक ऐसा सोच तो डेवलप की जा रही है। इसको जब आप कंटिन्यूअस वे में करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल ये चीज होगी। गुर्बत है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। मैं कहीं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ योगी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट को कि सारी चीज इन्होंने साफ कर दी है। मैं बोलता हूँ अभी भी ऐसे का ही है जैसे पहले था। कोई बहुत रिमार्केबल ग्रोथ नहीं हुई है। ग्रोथ हुई है तो केवल एक चीज में, एक पॉजिटिव सोच में ग्रोथ हुई है। वो फेल हो या सक्सेस हो बात डिफरेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच आ रहा है, एक टारगेट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है कि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करना है। इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला हो कि देश की इकोनॉमी में हम इतने ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करेंगे? कभी किसी ने बोला हो तो बताइए। मुझे ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है, थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल है। अब जहाँ इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे किसी चीज की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, तो उन चैलेंजेस से निपटना इतना टाइम हर चीज में लगेगा। मैं घूमने जाइए, रशिया घूमिए, जापान घूमिए, अरे सुनिए, समाजवादी पार्टी की तरफ घूमने थोड़ी गए हैं। 300 किलोमीटर की स्पीड की बुलेट ट्रेन में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमने खेती सीखा। मैं समाज के लिए बात कर रही हूं। ट्रेन में बैठ के खेत कैसे होते हैं देख रहे थे वो लोग, उनके बारे में भी तो बोलिए ना। उनसे तो बेहतर है ना कि एक अप्रोच लेके कोई आदमी गया है, एक टारगेट लेके गया है, फेल या बाहर से दूसरी चीज है, होता नहीं है उसको घूमना बोलते हैं। जो पहले नेता लोग जाते थे उसको घूमना बोलते हैं। टेक्नोलॉजी लाएंगे, अरे नदियों के पानी की व्यवस्था कर लीजिए पहले। यहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है पानी के, बाढ़ के मारे, और आपके 5-5 चीफ मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? घूमने के लिए? एक चीज आप मुझे ये बताइए, ये आप देखिए, आप भी इतने दिन से देश में हैं, इसके पहले कभी आपने आवाज नहीं उठाई कि इतनी बाढ़ आती है, इतना पॉल्यूशन है, ये है वो है। बताइए, नदियों के जोड़ने की योजना, उसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से यहाँ पे था, तो सरकारों ने क्यों नहीं काम किया? अब कोई काम करने की शुरुआत कर रहा है चाहे वैचारिक स्तर पे, तो आप वैचारिक स्तर पे उसको रोक रहे हैं। अरे कम से कम वैचारिक स्तर पर तो हर्डल मत डालिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जब हम योजनाओं को उतारते हैं तो बड़े हर्डल्स होते हैं। कभी फंड की कमी आ जाती है, कभी नेचुरल कोई कमी आ जाती है, हर्डल्स आ जाता है। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट शुरू हुआ नहीं, उसके पॉजिटिव निगेटिव को देखने में नहीं, बस विरोध करना शुरू कीजिए, बंद कर दो। चलिए, योगी जी वहाँ घूम नहीं रहे हैं, वहाँ बैठ के अभी वो पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आप जाके न्यूज देखिए। ठीक है, उपासना मिश्रा जी दोनों आप रुकिए, पहले तो मैं ये तस्वीरें जो दिखा दूं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें इस वक्त रूस की हैं, रूस में मीटिंग चल रही है, तमाम अधिकारियों की बातचीत चल रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठकर वहां पर बातचीत कर रहे हैं। और अभी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें पांचों मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, पीयूष गोयल नजर आएंगे, आपको विदेश मंत्री नजर आएंगे, और दूसरी तरफ टेबल के दूसरी तरफ आपको तमाम रूस के अधिकारी नजर आएंगे। तो ये ताजा तस्वीर हमने आपको दिखाई कि ये जो यहाँ पर बहस चल रही है कि आप घूमने के लिए वहां चले जाते हैं, आप तमाम सिर्फ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, तो एक तस्वीर तस्दीक करती है कि वहां सिर्फ घूमा घामा नहीं जा रहा, वहां पर कुछ काम भी हो रहा है, वहां पर टेबल पर कुछ दिखाई भी दे रहा है कि दोनों तरफ दोनों अधिकारी बैठे हो। ठीक है उपासना, मैं आपके पास आऊंगा, बात थोड़ा बुंदेलखंड की कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बात होती है कि रूस से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, बात होती है कि डिफेंस कॉरिडोर जो बनेगा उसको लेकर बहुत कुछ यहां पर नए निवेश आएंगे, तो फिर बुंदेलखंड के विकास की बात हमें सबसे पहले करना चाहिए। मनोज, क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड को लेकर ही खास तौर पर ये तमाम योजनाएं, क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा इलाका है या जो बुंदेलखंड की खास तौर से सिंचाई की समस्या है वो रूस से कम हो जाएगी, ये बुंदेलखंड वालों को एक आश्वासन मिल जाना चाहिए कि हमारे ये ही मुख्यमंत्री हमारे गए हैं रूस? काम पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, बुंदेलखंड प्राथमिकता पर रहेगा। रही बात उपासना जी की गलती नहीं है अभी तक, देखो रीज़न क्या है,
अभी तक इन्होंने जो देखा है वो इनका प्रैक्टिकल है, इन्होंने देखा है कि जो पुरानी सरकारें रही उन्होंने क्या किया, सब गए अपना मौज मस्ती करके वापस। उपासना जी आप सुन लीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग भी बीच में नहीं बोलना चाहते, हम लोग डिबेट शोर मचा के नहीं करना चाहते, हम डिबेट मुद्दों पे करना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी वर्ड बोल रहे हैं उनका ऑथेंटिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं आपके बात से सहमत हूं कि अभी तक पुरानी सरकारों ने यही काम किया है कि डेलीगेशन ले गए, घूम के आ गए अपना, कोई आपको जनता को कोई जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनता का प्रदेश है, ठीक है, एक एक चीज को आप नहीं निपटा सकते, आप कहते हो आत्महत्या कर ली, ठीक है, पर लेकिन पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? क्या आप संतुष्ट नहीं है सिस्टम से? क्या हम अगर जा रहे हैं तो काम करके ला रहे हैं? योगी जी की व्यक्तिगत जो छवि है उस छवि के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं सर, आपको बहुत काम करना है। हम संतुष्ट, मैं नहीं बोलता हूं कि अभी हम संतुष्ट हो जाएं, इतना भी जो है काम नहीं हुआ है। मैंने आपके प्रयास सार्थक है, प्रशंसनीय है, लेकिन आप ये बोलिए कि हम संतुष्ट हो गए इसका सर्टिफिकेट दे दें तो अभी नहीं है मिश्रा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पर लेकिन कहीं ना कहीं उससे हम खुद संतुष्ट नहीं है, हम और कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रदेश को नंबर वन बनाना चाहते हैं, चीजें बढ़ाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले में और अब में फर्क लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब खाली हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना एक दूसरे को कि पहले ऐसे हुआ और अब भी ऐसा नहीं होगा और दोबारा ऐसे हो जाएगा, तो वो चीजें ठीक नहीं है, करने तो दीजिए। अभी जब हम आपसे वोट मांगने आएंगे तब बताइएगा आप हमें कि आपने ऐसे बोला तो ऐसे क्यों कर दिया। यहां पर यही चल रही है कि सरकार जो कदम उठाती है उसे सकारात्मक दिशा में देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर यह उठा है कि पूर्ववर्ती जितनी सरकारें रहीं उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि आज की सरकार भले ही सार्थक कदम उठाए लेकिन जो एक जमात है पूरी उसको यह लगता है कि नहीं आज भी कुछ खास नहीं होगा। आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में फर्क करना चाहिए? पिछली सरकार की इच्छा शक्ति इस सरकार की इच्छा शक्ति में जब अंतर दिखता है तो फिर फर्क देखना चाहिए दोनों सरकारों के बीच? आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप मोदी जी ने हमारा वो दिया है एक एम कि 2022, तो मैं तो सोचती हूँ कि 2022 तक हमारा उत्तर प्रदेश नंबर वन पे आएगा। और क्योंकि आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहली सरकार ने क्या किया, आज की सरकार को देखिए कितना काम कर रही है, हर घर घर में बिजली आ रही है जी। पहले बिजली कटौती 7-8 घंटे गाँव होती थी, अब वो 2-4 घंटे में ही रह गई है। और बहुत ज्यादा कोशिश है, जो अभी हमारी इन्होंने कहा था कि सब नदियां खराब हो रही है उनको देखना चाहिए, देखिए पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी के लिए हम लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी है। हम लोग घरों में आरओ लगा होता है, हम लोग उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये नहीं सोचते उस पानी को हम लोग यूज करें और जो आप बारिश होती है उस पर एक बार हार्वेस्टिंग करें। तो ये नहीं सोचना थी, ये सरकार कुछ नहीं कर, सरकार बहुत कुछ कर रही है। पहले जितनी घटनाएं होती थी, पहले भी सोसाइटी की सब घटनाएं होती थी, पर वो जो है बहुत ज्यादा होती थी, आज उसमें कमी आई है। योगी सरकार बहुत लोगों के पर कड़ाई से अपना वो ले रही है, उससे काफी अंतर आ रहा है। तो ये सोचना कि हमारा प्रदेश को बढ़ाने के लिए, अच्छा जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के प्रदेश में जो एक हमारा इंडियन कल्चर है उसमें हमारे यहाँ टेक्नीशियन और इंजीनियर्स IIT क्वालिफाइड है, साइंटिस्ट है, वो सब जो है अपनी नौकरी के लिए क्योंकि सोचते हैं कि इंडिया में कोई काम नहीं है बाहर जाते थे। पर अगर हमारे प्रदेश में और प्रदेशों में हमारे भारत में भारत की टेक्नोलॉजी आएगी और MOU साइन होगा तो वो लोग बाहर जाने के बजाय सोचेंगे अपने इंडिया में ही अपने स्टेट में ही काम करें। तो इससे सोचिए कि वो जो भागीदारी थी बाहर जाने वाली वो भी नवयुवक के लिए रुकेगी, तो उससे भी तो हमारा जो देश में हम लोगों को बाहर से कहीं से आदमी लेने नहीं पड़ेंगे, जो अपने यहाँ खुद ही बुद्धि है लोगों में, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, तो उससे भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे, उनको घर ही पे मतलब एक तरह से काम मिल जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे प्रदेश का विकास, हमारे देश का विकास बहुत ज्यादा होगा। और आदमी को कभी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी कोई सोच नहीं होगी, पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आपका जो योगी जी के लिए कहा जा रहा है उनका तो पूरा निशाना मछली की आंख की तरह है कि अपने प्रदेश को नंबर वन पे लाना। और आज उन्होंने जो सोचा है, सोच रहे हैं, वो ये चीज जरूर होगी। यानी कि आप सरकार के पूरे फैसले के साथ नहीं, मैं तो कहती हूँ कि वर्ल्ड में नंबर वन पे होगा। ठीक है प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे कानून को सख्त करने के लिए, क्योंकि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में साफ तौर पर यह कहा गया था कि हमने कानून को यहां पर सख्त किया, हमने अपराध को यहां पर कम किया, हमने एक बेहतर माहौल दिया, हमने विकास की एक तस्वीर ऐसी इख्तियार की जो निवेशकों को यह लगे कि यहां पर निवेश करना बेहतर होगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखें, क्योंकि हम खुद का विकास सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए।
आपको लगता है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई या पिछली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट वन हुई, जो तमाम लोकार्पण हुए, या अब जो रशिया से योजनाएं आएंगी धरातल पर, आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर नजर आते हैं? क्योंकि यहाँ पावर के सेक्टर की बात हो रही है, कृषि के सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो बड़े चेंजेस होंगे और जो तस्वीर साफ तौर पर दिखाई देगी वो क्या होगी? देखिये तुषार, सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, बात इस बात की है कि कुछ सरकारों ने विकास परिषद ही बनाई थी अमर सिंह के माध्यम से, और बड़े बड़े उद्योगपति इस उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, क्या वो कहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने क्या किया था और कितने फर्जी एमओयू साइन हुए थे? अब जो सरकार की एक इच्छा शक्ति मुझे दिखाई दे रही है कि हमने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट चालू किया है और हम उन रोजगारों को मजबूत आयाम दे रहे हैं और उनकी क्या कमियां है। देखिए सरकार जो पुरानी थी, मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, वर्तमान सरकार में चाहे वो बुंदेलखंड के पैकेज के, बड़ी बड़ी सरकारों में बहुत पैकेज दिए, कहां चला गया पैसा? भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हमने ई टेंडरिंग की व्यवस्था की, अभी आपने एक जालसाज को दिखाया जो फर्जी जालसाज, इसको जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे हजारों जालसाज उत्तर प्रदेश के अंदर है, जालसाज अब सिकंजे में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो काम में रुकावट भी हो रही है। अगर हम जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के लिए काम करते को रोकने का काम करेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। ऐसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का अभी अब नहीं समझती है, हवाई अवलोकन कर रहे हैं, दो महीने बाद वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनने जा रहा है। तो जब हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, सड़कों के जाल को और मजबूत करेंगे, बिजली का और आगे अच्छा काम करेंगे, कृषि को रोजगार का एक दर्जा देने के लिए, कृषि को हम लोग गए वहां रसिया में, कृषि को रोजगार का दर्जा देने के लिए हम वहां से योजनाएं लेके आएंगे, हम फूड प्रोसेसिंग पे और भी काम करेंगे और हम डेयरी को और आगे, देखिए गुजरात की अमूल यहाँ पे डेयरी हम लोगों ने लखनऊ में खोली, डेयरी पे काम किया पिछली सरकार ने और ये सरकार और करेगी उसको आगे। तो निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि हम यहां बैठे किसी के आलोचना करने के लिए नहीं, हम तो उनको और हौसला अफजाई करें कि सरकार अपने अच्छे ब्यूरोक्रेट के साथ जाए, और ब्यूरोक्रेट अमली जमा पहनाते हैं, अगर खराब ब्यूरोक्रेट अभी अखिलेश की सरकार के यहां मौजूद है उनको हटाए भी। और योगी सरकार देखिए पिछले बार नंदी का मामला पड़ा गया, ट्रांसफर उद्योग तबादला उद्योग पे ब्रेक लगाया उन्होंने, डॉक्टरों के ट्रांसफर कैंसिल किए, जेईई, तो जो ये एक रिश्वतखोरी चलती थी इसको योगी सरकार रोकने का काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि ये रामराज हो गया और उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज आ गया, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी पुरानी संस्कृति जीवंत हुई है, जो हम अयोध्या धार्मिक स्थल हो चाहे पर्यटन स्थल हो, हम काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में और इसके आउटपुट जो है वो 2022 से 2025 तक दिखाई देंगे। लेकिन हम अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी आलोचना भी करेंगे, ये नहीं कि हम सरकार की खिलाफत कर रहे हैं या हम सरकार के पक्ष बोल रहे हैं तो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि वहां जो योजनाओं के लिए, जो निवेश के लिए, जो वहां एमयू साइन के लिए भाई सरकार गई है, अधिकारी गए हैं, वहां काम कर रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उपासना जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो जो पुराना माइंडसेट किए हुए हैं पिछली सरकारों का, उस माइंडसेट के आधार पर यहां डिबेट ना करें और भ्रमित ना करें किसी को। मेरा ये टारगेट है, निश्चित तौर पर टारगेट तो केवल अगर यूपी में छुपे हुए टूरिज्म के पोटेंशियल को डेवलप कर दें, दुनिया में कोई भी हिंदू सनातन धर्मी बौद्ध वगैरह हो बिना यूपी आए हुए उनको मोक्ष नहीं मिलता, केवल एक सेक्टर पे ये कर दे, सुरक्षा कर दे, आवाजाही कर दे, सड़क कर दे, ट्रेन वर्ल्ड क्लास की दे दे, तो टूरिज्म से ही इतनी इनकम हो जाएगी कि पूछिए मत आप। सारनाथ में निश्चित तौर पे 4-6 साल में दशा और दिशा बदल जाएगी सर, टूरिज्म का इतना कंट्रीब्यूशन होता है कि वो सड़कें जहां से गुजरती हैं, जो कॉरिडोर्स बनते हैं, कि जैसे अयोध्या से मथुरा जोड़ना है, बनारस से मथुरा जोड़ना है, पूरे 700 किलोमीटर में रोजगार और ये चीजें पैदा होती है, इतना ज्यादा ट्रैफिक उसमें होता है, कितने लोगों को रोजगार और आर्थिक जो है सहयोग मिलता है। मिश्रा जी बुद्धिस्ट सर्किट जो बन रहा है और जो हम लोग एयर कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं, सड़कों की कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं, हर जिले टू जिले जोड़ रहे हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हमारे विश्व से हजारों लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं ना, उपासना जी विरोध कर रही है सरकार की नीतियों का, उनको लगता है कि सरकार अगर काम ठीक नहीं कर रही है। मैं इकोनॉमिक पॉइंट से बोल रहा हूँ, ये लेटेंट देखिए एक पोटेंशियल और है, आप फॉरेनर के जितने वहां शहरों से लोग एकदम उबे हुए हैं उनको बोलिए आप यूपी के गांव में आके टूरिज्म करिए, एक महीने रुकिए और यहां का रियल एक्सपीरियंस करिए, दिखाई देता है, ये तमाम पोटेंशियल है। बिल्कुल
बिल्कुल दिखाई देता है। और ये उपासना क्या आपको नहीं लगता है जो तमाम सड़कें बनाएंगे, जिस बात का अभी जिक्र प्रभात जी ने किया, सड़कें बनाई गई, एयर कनेक्टिविटी की गई, चाहे तमाम एक्सप्रेसवे बनाए गए या तमाम जो कानून को लेकर यहाँ पर सख्ती की गई है, आपको नहीं लगता कि बुनियादी काम तो किए ही जा रहे हैं? बुनियादी काम तो किए ही जा रहे हैं। एक लंबी बिल्डिंग आपको खड़ी करनी है तो नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी। पानी की यात्रा, पानी के मार्ग से व्यापार करने की संभावना तलाशी गई, वो भी बहुत अच्छी चल रही है ना, सब चीज बहुत अच्छी हो गई है। आप ये देखिए ना कि आप जो नहीं, आपको लगता है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए उपासना जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, प्रभात जी रुकिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि शुरुआत ठीक है? उसके बाद मैंने नहीं सुना कभी। उपासना जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि जो लक्ष्य है, जो शुरुआत है वो ठीक है? मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, सरकारें छोड़ दीजिए, सरकारें किसी की भी नहीं हो, मैं दिल्ली से अपने गांव भदोही काशी प्रयाग मध्य, सुनिए, काशी प्रयाग मध्य मेरा गांव है भदोही, मैं जाता था 18 घंटे लगते थे कार से। किसी भी सरकार ने किया हो, आज हाईवे इतना गजब का बन गया है कि ट्रेन का इक्विवेलेंट है, 8 घंटे में मैं अपने गांव काशी प्रयाग मध्य पहुंच जाता हूँ, आपको फर्क नहीं दिख रहा है? मुझे सब फर्क दिखाई दे रहा है, मैं यूपी की हूँ, मेरा यही काम है घूमने का। लेकिन अब बोलेंगे नहीं, आपको फर्क दिखाई पड़ रहा है, आप एक पॉइंट बोलेंगे नहीं। अरे ये एक मुहिम है, एक यज्ञ है, इसमें आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन आप मनोबल भी तो बढ़ाइए। मैं बोलता हूँ सरकारें किसी की हो, आप अपने राज्य के पोटेंशियल का दोहन तो करिए। राज्य का पोटेंशियल काशी प्रयाग मध्य, सुनिए, भदोही कालीन के लिए इतना ज्यादा फेमस था, पूरे दुनिया में काशी प्रयाग मध्य से एक्सपोर्ट होता था। पिछली सरकारों ने क्या किया, चौपट करके रख दिया काशी प्रयाग मध्य से भदोही के कालीन का उद्योग। आज जाके देखिए मेरे गांव का, मैं जानता हूँ, हर गांव को तीन तरीके से इनकम होती थी गांव के लोगों को, वो 4-5 घंटे कालीन बुनते थे सुबह शाम, उसके बाद खेती करते थे, नौकरी करते थे, कालीन बुनने से भी काशी प्रयाग मध्य के लोगों को इनकम होती थी, खेती करने से भी इनकम होती थी, तीन तीन तरीके से इनकम होती थी हमारे गांव काशी प्रयाग मध्य में। अब अगर कोई सरकार उसको कर रही है, कालीन को उन्होंने चुना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कालीन को शायद चुना गया है, काशी प्रयाग मध्य की ये स्पेशलिटी है, तो उसको बढ़ाने में क्या बुराई है? भारत में तो गाय पालन होता ही नहीं है ना, रूस से आप गाय पालने की ट्रेनिंग लेके आएंगे, खेती की ट्रेनिंग आप रूस से लेके आएंगे। लेकिन अगर तकनीक कोई बेहतर है उपासना, अगर तकनीक कोई बेहतर रूस में है तो उसको लाने में क्या परहेज है? अगर निवेश वहां से आएगा तो उसमें क्या परहेज है? सब घूमने के बहाने हैं, इसका कोई नतीजा नहीं। अगर आप ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सब घूमने के बहाने हैं, नहीं अगर आपको पूर्वाग्रह है तो फिर उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। उस टीम में आपको शामिल किया जाता तो आप जाती कि नहीं जाती? हम नहीं जाते, हम क्यों जाएंगे? आप क्या बोल देती? क्यों जाएंगे? आप बोल देते कि ये घूमने का बहाना है, हम नहीं जाएंगे। पर्सनल, अरे घूमने के महत्व को समझिए, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांस्कृतिक जयन का जाके पढ़िए। जब इंडिया में घुमक्कड़ लोग होते थे, यहाँ के विद्वान, उन्होंने घूम घूम के भारत को विश्वगुरु बना दिया। बुद्ध जी जिंदगी भर घूमते रहे, राम 14 साल घूमते रहे, कृष्ण इधर से उधर घूमते रहे, पर्पसफुल घूमना एक अच्छी चीज है। जब आप घूमोगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, वहाँ जाके सेल्फी ले रहे, अरे योगी जी जाके सेल्फी थोड़ी ले रहे हैं वहाँ पे, आप रिसर्च करिए, डाटा देखिए, तब आपको पता चलेगा। मैं कौन सा रिसर्च करें मैम, कौन सा, इतने डाटा तो मैंने आपको बता दिए, एक घंटे की डिबेट में एक डाटा आपने नहीं बोला, मैंने तो सारा डाटा पे ही बात किया। शिवराज सिंह चौहान 12 साल में कितनी बार, मैं पहले मान लिया, हो सकता है पीछे सफलता ना मिली हो, इसका मतलब ये नहीं, इसके पहले भी हम चांद पे नहीं गए थे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चांद पे नहीं जा पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो फिर कुछ होना ही नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, हो सकता है पीछे सफलता ना मिली हो, उसके कारण हम प्रयास नहीं छोड़ सकते हैं। कोई चीज शुरू हुई है, सबसे पहले हमें मुझे डिबेट को वाइंड अप करना है, मोरल अवलंबन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, मुझे डिबेट को वाइंड अप करना है उपासना जी, डिबेट को वाइंड अप करना है। मनोज जी, आखिर में उन तमाम विरोधियों को जिनको लगता है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया इसलिए आज की सरकार भी शायद ये हमें दिवा स्वप्न दिखाएगी, हमें दिन के सपने दिखाएगी, और अंत में फिर चुनाव आएंगे, फिर सरकार चुनी जाएगी और फिर नए नए वादे किए जाएंगे। आप एक आश्वासन दे दीजिए, आप ये कह दीजिए कि पहले की सरकारें कुछ भी रही हो लेकिन आज की सरकार की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हम आपको वादा करते हैं कि ये सारी चीजें जो हम कहते हैं वो पूरी करेंगे, आप इतना आश्वासन दीजिए। तुषार भाई, मैं सिर्फ आपको ये वादा करना चाहता हूं कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, सपने दिखाने में नहीं। हम काम करके दिखा रहे हैं, काम बोल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस घंटे की डिबेट में
उपासना जी ने भी ये मान लिया है कि हम वाकई में ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, माना आपने कि हम इस एक घंटे की डिबेट में हमने इतना जरूर काम किया है कि उपासना जी इस बात से संतुष्ट हो गई है कि जो हम गए हैं हम काम करके ला रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जब हम आप पूरे प्रदेश में देखिए ना, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, हम बिजली दे के दिखाएंगे आपको, आप भरोसा तो कीजिए। लेकिन लेकिन मनोज जी लगता है उपासना जी का तमाम आंसर से उनसे ये लगता है कि वो चाहती है कि आप कुछ बेहतर करें, आप कुछ ज्यादा अच्छा करें, इसलिए वो अभी आपकी तारीफ नहीं करना चाहते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मिश्रा जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, रीता जी आपका भी, प्रभात जी आपका भी और उपासना आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि रूस जाएंगे, रूसी निवेश लाएंगे, लेकिन धरातल पर तस्वीर क्या बदलेगी, क्योंकि आज से पहले की सरकारें वो सब कुछ नहीं कर सकी जो आज जरूरत बनी है। और अगर आज जरूरत है तो आज की सरकार ने भी अगर दिन के सपने दिखा दिए तो ये शायद जो डर है यही उन लोगों को परेशान करता है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही, इसके आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।